छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भाजपा किसान मोर्चा ने किसानों और जवानों को श्रीफल देकर सम्मानित किया। बता दें कि प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे होने पर इसका आयोजन मुख्यालय के कबीर मंदिर में किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष तोमन साहू की सराहना की और कहा है कि भारत के कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले प्रगतिशील किसानों और देश के सीमाओं में बलिदानी सैनिकों और उनके परिवारजनों को राष्ट्रीय हित में महत्व भूमिका के लिए सम्मानित करना आत्मानुभूति करता है और कहा कि प्रधानमंत्री हर वर्ग के विकास का खास तौर पर किसानों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज हम सब जो यहाँ पर किसान एवं जवान हैं उनका नमो किसान सम्मान के तहत आज सम्मान किया गया है। जैसे कि मोदी सरकार द्वारा किसानों के समृद्धि के लिए संपर्क से और उनके आय को दुगुना करने के लिए लगातार मोदी जी ने कार्य कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम सब नमो किसान सम्मान के तहत आज के किसानों का और जवानों का सम्मान किया गया। विकास तो कहीं भी नहीं दिखता है, चाहे वो जब से कांग्रेस की सरकार आई है 4 साल हो गए हैं लेकिन यहाँ विकास कहीं भी नहीं दिखता, चाहे वो प्रदेश की बात ले ले या फिर हमारे बालोद जिले की बात ले ले, कहीं भी कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई प्रगति नहीं हुई है हमारे प्रदेश में। और इसके ठीक विपरीत यहाँ पे गुंडाराज हो गया है, यहाँ पे बेरोजगारी फैल गई है और महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।